जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा टीके बच्चों को लगा देंगे, कम से कम सुई लगे हुए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टीके तो 7,770 के आसपास आ रहा है, और पेनफुल अगर आप लगवाते हैं तो 6,700। डियर पेरेंट्स, नवजात बच्चों को 6, 10 और 14 हफ्ते पे, यानी कि 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीनों पे लगने वाले टीके उसकी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट टीके होते हैं, क्योंकि ये बच्चे को 8 जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। एक साथ 8 जानलेवा बीमारियों से बचाने वाला टीका लाइफ में दोबारा नहीं होता है। दूसरा, ये टीके सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में लगवाते हैं तो, और इन टीकों से बच्चों को फीवर आने का और दर्द होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, इसीलिए इनके बारे में आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, जेएमबी हॉस्पिटल पीलीभीत। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टीके हैं ये क्या क्या होते हैं, किन किन बीमारियों से बचाते हैं, इसकी कॉस्ट कितनी होगी अगर आप प्राइवेट में लगवाते हैं तो चैनल पे वेलकम करता हूं आपका। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डियर पेरेंट्स, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये टीके इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो जब आपका बच्चा पैदा होता है उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होती है अच्छे से, वैसे में बच्चे को बहुत सारे जानलेवा बीमारियों के खतरे होते हैं, और बच्चा जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा रिस्क होता है उसको बीमार होने का। तो इसीलिए ये जो टीके हैं, एक साथ 8 तरह के टीके बच्चों को लगवाए जाते हैं ताकि बच्चा उन सब जानलेवा बीमारी से बचा रहे जो आगे चल के बच्चों को रिस्क पहुंचा सकते हैं और under 5 मॉर्टेलिटी के बहुत बड़े रीज़न हैं। तो जितनी जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा टीके बच्चों को लगा देंगे उतनी जल्दी बच्चा इन सारी जानलेवा बीमारी से बचा रहेगा, इसीलिए जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, टीकाकरण का प्रोग्राम है, उसमें इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है और इस एज में इतने टीके लगवाए गए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर वो 8 टीके कौन से हैं जो 8 जानलेवा बीमारी से बचाते हैं, तो करके देखते हैं। सबसे पहले आता है DTP कॉम्बिनेशन, इसमें पहला होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया मतलब कि गलघोटू बीमारी से बचाता है। इसके बाद आता है पर्टूसिस जो कि काली खांसी से बचाता है। फिर आता है टिटनस जो कि आप सबको पता है टिटनस की बीमारी से बचाता है। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी जो कि हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी जो कि लीवर में सूजन पैदा करता है, पीलिया पैदा करता है, उससे बचाता है। इसके बाद आता है हिब जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस यानी कि दिमाग की सूजन, दिमागी बुखार और निमोनिया कराता है। इसके बाद आता है न्यूमोकोकल वैक्सीन जो कि न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया से बचाता है, ये भी निमोनिया कराता है और ये भी दिमागी बुखार कराता है। फिर आता है रोटावायरस वैक्सीन जो कि वायरल डायरिया से बचाता है, जो पतले पानी से दस्त होते हैं, जो जानलेवा होते हैं उससे बचाता है। उसके बाद आता है OPV और IPV जो कि आप सबको पता है पोलियो से बचाता है। तो इस तरह से ये 8 वैक्सीन होती हैं और ये 8 तरह की बीमारियों से आपके बच्चों को बचाती। तो अब आइए हम बात करते हैं इसके शेड्यूल के बारे में कि हमें कब कब कौन से टीके लगवाने हैं। तो शेड्यूल देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हम 8 टीके बच्चों को कैसे लगवाएंगे। ये जो टीके हैं कंबाइन कर दिए गए हैं, कंबाइन करने की वजह से कम सुई लगे हुए और बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा टीके, ज़्यादा ज़्यादा वैक्सीन पहुँच जाती हैं। तो जो कॉम्बिनेशन जनरली कॉमनली यूज़ किया जाता है वो 5 वाला और 6 वाला वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। जनरली जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर 5 वाले भी और 6 वाले भी यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर प्रेफर जो करते हैं वो 6 वाले करते हैं, और गवर्नमेंट में 5 वैक्सीन वाला कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। तो जो 5 वैक्सीन वाला कॉम्बिनेशन है उसमें DTP के साथ हेपेटाइटिस बी और हिप को जोड़ा गया है, और जो प्राइवेट सेक्टर में है वो DTP, हेपेटाइटिस बी, हिप के साथ IPV को भी उसी में मिला दिया गया है, तो 6 वाला कॉम्बिनेशन होता है। तो प्राइवेट का जो शेड्यूल है वो याद करना बहुत आसान है क्योंकि 6, 10 और 14 वीक पे एक ही जैसे टीके लगते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। तो जो 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे, तीनों में हम एक 6 वाला कॉम्बिनेशन यानी कि EG6 या हेक्सासिम वो देते हैं, उसके साथ एक हम न्यूमोकोकल देते हैं और रोटावायरस की खुराक पिलाते हैं। इसी में सारी जो डोज हैं, सारी जो वैक्सीन है वो चली जाती हैं, मतलब कि 2 इंजेक्शन और 1 ओरल खुराक। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में 6 और 14 वो दोनों सेम होता है, और 10 वीक वाला जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो गवर्नमेंट में 5 वाले वैक्सीन यूज़ किए जाते हैं और साथ में वो OPV भी देते हैं। प्राइवेट में IAP ने OPV को हटा दिया है। तो गवर्नमेंट के बारे में सुन लीजिए, तो पेंटावैक एक होता है जिसमें कि आपका DTP हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हिप हो गया। इसके अलावा 1 इंजेक्शन लगता है IPV का, फ्रेशनल IPV का, और 1 लगता है न्यूमोकोकल का, और 2 खुराक पिलाई जाती है, 1 पोलियो की और 1 रोटावायरस की। तो इस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में 6 और 14 वीक पर आपके बच्चों को 3 इंजेक्शन
और 2 ओरल खुराक पिलाई जाती हैं। तो 10 वीक पे रोटावायरस दिया जाता है, रोटावायरस के साथ पोलियो दिया जाता है, 2 ओरल खुराक और 7 पे 1 इंजेक्शन जो कि पेंटावैक का होता है। 10 वीक पे आईपीवी नहीं देते हैं हम और न्यूमोकोकल गवर्नमेंट में नहीं देते हैं। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट का है और प्राइवेट का है दोनों आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। तो गवर्नमेंट में अगर आप लगवा रहे हैं तो कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी इंडिया में, हर जगह सारे स्वास्थ्य केंद्र पर, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर जगह ये अवेलेबल है। तो कॉस्ट की बात आती है वो सिर्फ आती है प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में डिपेंड करता है कि आप पेनलेस लगवा रहे हैं या पेनफुल लगवा रहे हैं। पेनलेस लगवाना है, पेनफुल लगवाना है, उस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ उसका प्राइस बताने वाला हूँ, प्राइस डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो 6 वैक्सीन वाला जो कॉम्बिनेशन आता है पेनलेस वाला, वो होता है हेक्सासिम जो कि 4000 के आसपास होता है, और जो पेनफुल वाला होता है यानी कि इसको इजी 6 बोलते हैं, वो 3000 के आसपास होता है, 3000 के आसपास होता है। दूसरे नंबर पे आता है न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल का एक प्रिविनार ब्रांड है जो कि 4000 के आसपास आता है, एक सिनफ्लोरिक्स है जो कि 2600 के आसपास आता है। तो इस तरह से कॉस्ट को जो हमने कैलकुलेट किया तो रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो पेनलेस अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो 7770 के आसपास आ रहा है, और पेनफुल अगर आप लगवाते हैं तो 6700 के आसपास पड़ रहा है। ये जो मैंने बताया ये मैक्सिमम प्राइस है, आपके इससे कम ही लगेगा, और डिपेंड करता है कि कितना आपको डिस्काउंट आपका डॉक्टर दे देता है या आपका जो फार्मेसिस्ट है वो दे देता है। तो इसके साथ ही हम आज की जो वीडियो है उसको समराइज करते हैं। 6, 10 और 14 वीक का जो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। इसमें हम DTP, हेपेटाइटिस बी, हिप, निमोकोकल और पोलियो और डायरिया, इन बीमारियों से बच्चों को बचाते हैं, इन बीमारियों से बच्चों को इम्यूनाइज करते हैं। और इसका जो कॉस्ट बन रहा है वो 7770 बन रहा है अगर आप प्राइवेट में लगवाते हैं, पेनलेस लगवाते हैं, और पेनफुल लगवाते हैं तो 6700 बन रहा है। ये मैक्सिमम कॉस्ट है, कॉस्ट आपकी इससे कम ही रहेगी। और गवर्नमेंट में आप लगवाएं या प्राइवेट में लगवाएं, इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, क्यों गवर्नमेंट में लगवाना चाहिए, क्यों प्राइवेट में लगवाना चाहिए, दोनों के फायदे क्या हैं, दोनों का बेनिफिट क्या है, दोनों के ड्रॉबैक क्या है, वो आपको आगे की वीडियो मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा जिनके भी छोटे बच्चे हैं जिनको भी इम्यूनाइजेशन करवाने जाना है। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।